मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि बात बहुत ही सरल है राधा, तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसा रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, केवल तुम्हारे मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो राधा, स्मरण कर, मैं तुम्हें मिला, तुम्हें प्रेम का आभास हुआ ना, तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ ना राधा। राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अथाह प्रेम करता हूं, तुम्हें बस उस प्रेम को सहेजना नहीं आता, बस। पर यही पूरी समस्या की जड़ है। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं राधा? तुम सही कह रहे हो कृष्ण, समझ गई। सच में सब समझ रही हो राधा? हाँ कृष्ण, समझ गई हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हो। तुम्हें बाकी सारे संसार की चिंता है, किंतु उस व्यक्ति की नहीं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है। क्षमा करना जो मैंने तुम्हारी बांसुरी तोड़ी। आज से ये बांसुरी तुम्हारी। अरे राधा, समझने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूं राधा। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। कृष्ण, तो तुम हो राधा? मुझे लगा कृष्ण है। नहीं, कृष्ण नहीं, मैं ही। वैसे कृष्ण बहुत अच्छा है ना? तुम भी कृष्ण से इतने शीघ्र प्रभावित हो गए? तुम भी से तुम्हारा क्या तात्पर्य राधा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कृष्ण से ना दूर ही रहना, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जी तुम क्या कह रही हो राधा? मैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ चंद्रावली, तुम जानती नहीं हो उस कृष्ण को। किंतु मैंने तो सुना था कि तुम उससे प्रेम करती हो, और ये तुमने सबके सामने कहा था। वही तो, मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते फंसते बची थी। वो तो मेरी मूर्खता थी, मैं उससे कोई प्रेम नहीं करती, और ना ही हम दोनों के मध्य कुछ है, और ना ही कभी हो सकता है। वो मेरे प्रेम की योग्य ही नहीं, वो केवल अपने अहम के लिए दंड का भागी बन सकता है, इसी के योग्य है वो। किंतु मुझे तो कृष्ण बहुत अच्छा। मैंने कहा ना, दूर रहो उससे, अधिक सुखी रहोगी। चलो अब आओ मेरे साथ। देखो समस्या और समाधान दोनों साथ चल के आ रहे हैं।
आप ठीक तो हैं? हाँ, केवल तुम्हारे कारण। धन्यवाद। आई? अरे काकी, लाइए। भोजन परोसने में मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे नहीं चंद्रा, तुम अतिथि हो हमारी, तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं? बेटी हूँ काकी, और बेटी अतिथि नहीं होती। और हम छोटों के होते अगर आपको काम करना पड़े तो हमको पाप लगेगा ना? वाह चंद्रावली जी, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। आपको तो पाप और पुण्य का अचूक ज्ञान। अद्भुत। हमारी चंद्रावली तो बालपन से ही बहुत ही सुशील और समझदार है। हाँ वो तो देख पा रहा हूँ। मैं और भोजन लेके आती हूँ। आप तो सत्य में ज्ञानी प्रतीत होती हैं। सद्गुणों की तो खान है आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात। कान्हा, गुणी और सुशील तो हमारी राधा भी है। क्यों राधा? और समझ में किसी से कम थोड़ी ना है। और रही बात कीर्तिदा काकी की सहायता करने की, तो वो तो हमारी राधा प्रतिदिन करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना राधा? क्यों? और नहीं तो क्या दाओ? माँ लाइए, माँ मैं परोसती। राधा चलो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राधा तुरंत अपने हाथ इस शीतल जल में डाल दो, जलन कम होगी। डाल। राधा चंद्रा ठीक कह रही है, जल में हाथ डालो। हाँ राधा डाल। अरे वाह, ये क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। चंद्रावली जी ज्ञानी होने के साथ ही वैद्य भी है। अद्भुत। सोचता हूं कहां से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ होगा आपको। अच्छा वैसे यदि बात करें हम राधा की जलन की, तो वो इस जल से उसका कुछ नहीं होगा, है ना राधा? कुछ अधिक ही जलन हो रही होगी, है ना?